हेलो दोस्तों, मैं शादाब। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाज़िर हूँ अपनी एक छोटी सी कविता और उसके साथ एक मज़ेदार और बेहद रोचक एक्टिविटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी एक कविता है तुलना, जिसमें मैंने तुलना करने की कोशिश की है इंसानों से और उस पंछी से जिसके पंख हैं और वो बहुत दूर तक उड़ता है, उस पहाड़ से जो बहुत ऊँचा है, उस सूरज से जो खूब चमकदार है और उस आंधी से जिसकी रफ्तार बेहद तेज़ है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपनी कविता तुलना सुनाता हूँ। आप उसका आनंद लीजिए, फिर हम बात करेंगे और एक मज़ेदार और नए ढंग की एक्टिविटी भी करेंगे। जिसके पल्लव से आगे ना चाहे खुलना, फिर ऐसे पंछी से अपनी कैसी तुलना, फिर ऐसे पंछी से अपनी कैसी तुलना। बिन हरकत के एक जगह ही डट कर तन कर खड़ा हुआ है सीधा सीधा जो बुत बनकर, जिसको न आता हो बिल्कुल हिलना डुलना, फिर ऐसे पर्वत से अपनी कैसी तुलना, फिर ऐसे पर्वत से अपनी कैसी तुलना। अंधियारे का पलक देखकर घबराता है, डर के मारे नहीं चमकता छिप जाता है, उजियारे से ही है जिसका मिलना जुलना, फिर ऐसे सूरज से अपनी कैसी तुलना, फिर ऐसे सूरज से अपनी कैसी तुलना। जिद्दी और जुनूनी दिखती जब आती है, लेकिन हिम्मत जल्दी ठंडी पड़ जाती है, जोश चाहता चैन भरे सागर में घुलना, फिर ऐसी आंधी से अपनी कैसी तुलना, फिर ऐसी आंधी से अपनी कैसी तुलना। जिसके पर्णव से आगे ना चाहे खुलना, फिर ऐसे पंछी से अपनी कैसी तुलना, फिर ऐसे पंछी से अपनी कैसी तुलना। तो दोस्तों, आपने तुलना में देखा कि हमने एक पंछी से तुलना की और हम बेटर निकले। कैसे? पंछी के पंख ज़रूर हैं, वो दूर तक उड़ सकता है, लेकिन उसकी जो उड़ान है वो लिमिटेड है। लेकिन हमारी उड़ान लिमिटेड नहीं है। हमारे पर नहीं है, पंख नहीं है हमारे, लेकिन हम फिर भी चांद पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, है ना? तो हम बेटर हैं पंछी से। इसी तरह हमने अपनी तुलना पहाड़ से करके देखी, तो क्या निकला कि पहाड़ हमसे ऊंचा तो बहुत है, लेकिन हम उस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, है ना? पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता। हम पहाड़ों में रास्ते बनाते हैं, हम पहाड़ों में घर बनाते हैं, लेकिन पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता। तो हम पहाड़ से बेटर हैं। इसी तरह आपने देखा कि हमने सूरज और आंधी से भी तुलना की, लेकिन हम बेटर निकले। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम उनमें बेहतर हैं। अब क्यों बेहतर हैं? क्योंकि हमारे पास दिमाग है, सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता है, इसलिए हम बेहतर हैं। क्रिएशन में सबसे बेस्ट और पावरफुल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के जीव जंतुओं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हम उनका ख्याल करें, उनकी सुरक्षा करें। बेस्ट होने के नाते ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, क्या आप भी तुलना करना चाहेंगे? तो आइए करते हैं एक तुलना मज़ेदार ढंग से। चींटी और हाथी की तुलना अगर की जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, मैं आपको दो पंक्तियां देता हूं चींटी और हाथी के बीच तुलना करने के लिए। आप इसको बढ़ाएं और बताएं कि आपने कैसी कैसी और किस किस ढंग से तुलना की। तो ये दो पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, हाथी चला चिंघाड़ कर। अब आप देखिए कि चींटी पहाड़ चढ़ सकती है, लेकिन हाथी चढ़ नहीं सकता, वो चल सकता है। तो
इस बात को इस तरह से कहा, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, हाथी चला चिंघाड़ कर। तो दोस्तों, चींटी और हाथी को लेकर आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर नोट करिए, ज़रूर लिखिए और इन पंक्तियों को आगे बढ़ाइए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर और मेरे फेसबुक पेज पर फन एंड लर्न विद शादाब पर ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।